वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में LMVT मतलब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, या यूं कह लीजिए मीन वैल्यू थ्योरम। कंडीशंस क्या होती थी मीन वैल्यू थ्योरम के लिए? पहली कंडीशन होती थी आपकी कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती थी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए आपका ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि ग्राफ कहीं भी स्प्लिट नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो, ठीक है, कि ग्राफ कहीं भी स्प्लिटेड नहीं है और यूनिक टेंजेंट हर जगह ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, ठीक है, पिक्चर में कि यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। खैर, ये तो आपके विजुअल्स हैं आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए, लेकिन हमें कॉपी में लिखना क्या होगा, कैसे हम इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है या फिर डिफरेंशिएबल है, ये दोनों कंडीशंस कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे। तो पहला लिखेंगे, ठीक है, सिंस fx इज पॉलिनोमियल देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल 1 to 4 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका f डैश x, निकाल लीजिए यहाँ पे f डैश x क्या आ जाएगा, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ fx। d बाई डी एक्स ऑफ fx का मतलब क्या हुआ, d बाई डी एक्स ऑफ आपका x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो ये आपका क्या है f डैश x आपका एग्जिस्ट करता है 1 से 4 में, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। दूसरा तरीका आपका बोलने का था, इसी ये आर्गुमेंट न दे के हम ये कह देते कि fx पॉलिनोमियल है, और अगर ये पॉलिनोमियल है तो थ्योरम ये कहती है कि ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसे करिए, तो f डैश x क्या लिखेंगे, एग्जिस्ट, तो लिखेंगे यहाँ पे क्लियरली f डैश x एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 1 to 4, ठीक है। तो दोनों कंडीशन मीट करती हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की। अब हम लोग अप्लाई करेंगे, लेट एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है आपका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश देखिए, एफ डैश एक्स आपका, इसे इक्वेशन नंबर हम 1 नाम दे दे रहे हैं, इसे 2 नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 से एफ डैश एक्स पता है, तो एफ डैश सी क्या निकाल लोगे, यहाँ पे जहाँ x रखा गया है वहाँ आप c रख दीजिए, ठीक है। तो f डैश सी आपका आ जाएगा 2c माइनस 4 इक्वल्स टू एफ बी b क्या है आपका, b की वैल्यू आपकी 4 है, तो ये 4 हो गया, f4 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आपका f4। अब फंक्शन आपके पास क्या है यहाँ पे, fx की डेफिनेशन ये है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, दैट कम्स आउट टू बी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 और माइनस 1, f1 निकालना है फंक्शन की 1 पे वैल्यू, तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 3 तो है ही, है ना। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया आपका, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये हो गया 16 और माइनस 16 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0 आ गया, माइनस ये क्या हो गया आपका 1 और माइनस 4, ये हो गया माइनस 3, लेकिन ये माइनस आके मल्टीप्लाई कर देगा इसको, तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो फाइनली आपका 3/3 आ गया। और इधर कितना आ गया आपका 2c-4, ये कट के 1 आ जाएगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा c की वैल्यू, 2c=4, इधर आके 1+4 क्या होता है 5, तो ये 5 हो गया, तो c की वैल्यू 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2। तो क्लियरली हम क्या लिखेंगे, क्लियरली जो c=5/2 है दैट बिलोंग्स टू जो गिवन इंटरवल था, कहाँ से 1 से 4, तो 1 to 4 ओपन इंटरवल 1 to 4, हेंस
मीन वैल्यू थ्योरम MVT मेन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, वेरीफाइड ठीक है।